नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं beforeprint.in। गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी वाले दिन घर घर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अब विदा हो रहे हैं। बप्पा के विदाई के वक्त कहीं भक्तों की आंखें नम हैं तो कहीं रास्ते भर नाचते गाते हुए भक्त बप्पा की धूमधाम से विदाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बप्पा अगले वर्ष तुम जल्दी से आना और हमारे सारे विघ्नों को हर लेना। भक्त भले ही नाचते हुए गाते हुए बप्पा को ले जा रहे हों, लेकिन बप्पा का जल विसर्जन करते ही उनकी आंखें भर आ रही हैं। पूरे शहर में गणेश प्रतिमाओं को गणपति बप्पा मोरिया, जय गजानन, जय विघ्नहर्ता, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के बीच विदाई दी जा रही है। गणेश प्रतिमाओं को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया जा रहा है। कल्याणपुर, अरमापुर, पनकी, गोविंद नगर, बर्रा, रतनलाल नगर, ग्वालटोली, पीरोड, हर्षनगर और रामबाग आदि इलाकों में विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। कोयला घाट, मस्कर घाट, गोला घाट, सिद्धनाथ घाट, ड्योड़ी घाट, परमटकाली घाट, अरमापुर, आवास विकास 3, नहर के किनारे गंगा बैराज के पास बने तालाबों में बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। कानपुर में 10 गंगा घाटों पर नगर निगम ने कृत्रिम तालाब बनवाए हैं। इन घाटों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। 20 फीट से लेकर 1 फीट तक की मूर्ति लेकर लोग विसर्जन के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। शहर में चंद्रिका देवी, लाल बंगला, कल्याणपुर, अशोकनगर, गुजैनी, पी रोड, लाजपत नगर, लाठीमोहाल, मंधना, दबौली, केशवपुरम, रावतपुर गांव समेत अन्य स्थानों पर बड़े समारोह आयोजित किए गए हैं। इसमें से ब्रह्मनगर चौराहा पर विराजे लंबोदर श्री गणेश जी का आज विसर्जन किया गया है। गणेश प्रतिमाओं के जुलूस में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिससे भीषण जाम लग गया। इस जाम में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां भी फंस गयी। वहीं ग्रीन पार्क जाने वाले रास्ते में डीएम और कमिश्नर की गाड़ियां भी फंस गयी है। सुमान दीक्षित है, मैं कानपुर निवासी हूँ। आज मैं परमट घाट पर आया हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन बाबा की स्थापना करने के बाद आज 11 दिन सेवा के बाद गणेश चतुर्दशी के बाद आज बाबा का विसर्जन करने का समय आया है। आज हम मनोकामना यहाँ करते हैं कि बाबा अपनी दया सभी भक्तों पर बनाए रखें। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। हमारा और मैं कानपुर का ही निवासी हूँ। बाकी हमारी जो मूर्तियाँ हैं वो हमारी जरीब चौकी से आई हुई है, जीटी रोड से। और बाबा का जो 9 तारीख को हमने उनको स्थापित किया था तो उनका 11 दिन की उनकी सेवा करते हुए आज उनको यहाँ पे मैंने विसर्जित किया हुआ है परमट घाट पे। तो जो बाबा के लोगों की इच्छा है बाबा उनकी पूर्ति करेंगे, इस कामना को रखते हुए बाबा जी को हम लोगों ने विसर्जित किया हुआ है। आके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।